हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश। आज मैं इस बाइक के बारे में ना आपको डिटेल देने वाला हूँ। सेकंड हैंड ऑप्शन है जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जो अगर कोई अच्छी खासी कंडीशन की अपाचे बाइक खरीदना चाहते हैं, 2017 18 19 मॉडल इस तरीके का थोड़ा ऊंचा वाला, तो उन भाइयों के लिए बहुत अच्छा स्पेशल मतलब ऑफर है ये वाला यार। बहुत ही अच्छी कंडीशन की बाइक, फर्स्ट ओनर की, बहुत ही कम चली हुई है। और ये जो वाली बाइक है ना, मतलब ये जो भाई हैं हमारे, इनके पास ये दो अपाचे हैं, अपाचे लवर हैं, एक रेड कलर में एक वाइट कलर में। तो ये व्हाइट वाली बेच रहे हैं, इनका पर्पज है कि ये व्हाइट वाली बेच के कोई और टीवीएस का ही प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। देखता हूँ, 2017 मॉडल है भाई, बेच रहे हैं, फर्स्ट ओनर है। टायर की कंडीशन देख लो, टायर आपको ये चेंज कराना पड़ेगा, जो सीधी सीधी सी बात है यार, मतलब इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ये आपको यहाँ इस पे मरघाट पे भी थोड़ा सा ये काम कराना पड़ेगा, ये आगे से थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, तो ये वाला है। और बाकी डिस्क ब्रेक वगैरह मतलब हर चीज़ फुल्ली वर्क है, ऑल फीचर वर्किंग है यार। साइड से प्रोफाइल देख लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बीस्ट कह सकते हो आप इसे। RTR 200 CC में है ये। इसका पीछे का टायर की बात करूं मैं, तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं बदलवाना, ये बहुत अच्छे कंडीशन में। पीछे की टेल लाइट इंडिकेटर का काम मैंने भी ना आफ्टर मार्केट कराया हुआ। ये वाला देखो यार, कुछ ज़्यादा ही एकदम मतलब बढ़िया लग रहा है एकदम। पहले ब्लू कलर का और फिर ये ब्लिंक करता हुआ ऐसे आता है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कोई भी मतलब स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं, वैसे थोड़ी सी गंदी हो रहा है, आप देखते हो इस तरीके का, ये थोड़ा सा पेंट भी यहाँ से हो रहा है। 2017 मॉडल है तो थोड़ा बहुत हो जाता है यहाँ पे। और बाकी मतलब गाड़ी में एक रुपए का भी काम नहीं है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है यार। और अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो फ्रंट से देख लो, ये मरघाट का काम मैंने आपको बताया करवाना पड़ेगा आपको लेने के बाद। और ये देखो, मतलब यहाँ पे तो आपको LED का ऑप्शन मिल जाता है, मगर ये जो फ्रंट का बल्ब है आपको हाइलोजन ही मिलेगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है बाइक में, मैं वो भी बताऊंगा उसके बारे में। लुक्स देखो यार, साइड से ऐसी लगती है बहुत प्यारी, मैंने ड्राइव भी की है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब इसका जो ये स्पीडोमीटर है ना, RPM वगैरह, मतलब ये मीटर ही खराब हो रखा है ये पूरा। ये बारिश की वजह से ये पानी इसमें भर गया है, तो मतलब ये बटन जो यहाँ का होता है ना, ये भी निकल गया, बारिश का पानी इसमें भर गया, तो खराब ही है, आपको चेंज कराना पड़ेगा। ये चेंज कराना है आपको, आगे का टायर चेंज कराना पड़ेगा, और मरघाट पर थोड़ा सा ये ब्रेक हो रखा है, इसको कराना पड़ेगा। पर इसके अलावा बाइक यार बिल्कुल जेन्युइन है, 2017 मॉडल है, और सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सेल्फ बिल्कुल ऐसे चल रही है यार, मक्खन की तरह हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। मैंने चलाई है अभी, मतलब करीब 2-3 किलोमीटर में चला के इसको वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। बहुत ही मक्खन चल रही है बाइक। डिस्क्रिप्शन में आपको ओनर का नंबर मिलेगा, आप डायरेक्ट कॉल करना ओनर को और बाइक खरीद लेना। 2017 मॉडल, फर्स्ट ओनर बाइक है, ईजी ट्रांसफरेशन है, UP14 नंबर, ट्रांसफ़र करा के देंगे, मतलब चार्ज आपके लगेंगे, मैं ट्रांसफ़र ईजी हम करा के देंगे। भाई मुझे कॉल मत करना, मुझे ऐसे कमेंट मत करना कि भाई हमें दिलवा दो, हमें ये करो, या भाई हम आ रहे हैं आपके पास। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो मुझसे मांगते हैं। भाई मेरी बाइक नहीं है, फ्रेंड की बाइक है, वो सेल कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल करो और उनसे बाइक खरीद लो। प्राइसिंग के बारे में बात करो भाई, 57,000 रुपये मांग रहे हैं, प्राइस फिक्स है, नेगोशिएशन नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई फिक्स प्राइस है, जो भी भाई इंटरेस्टेड हो कॉल करें और बाइक को खरीद सकते हैं। तो 37,000 समथिंग ये चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड, भैया ने बताया हमें, तो उसके बाद ही मीटर खराब हो गया। तो भाई मीटर आपको डला लेना, और आप कंपनी में जाके पता भी कर सकते हैं जेन्युइन कितनी चली है कितनी नहीं। भैया तो 37,000 बता रहे हैं।